ही न्यायालय परिसर के अधिवक्ता संघ ने सिविल न्यायालय के संचालन के लिए मोर्चा जारी किया है। सिविल न्यायालय की स्थापना की बिल्डिंग में मांग को लेकर अधिवक्ता संघ लगभग 26 दिन से जो है हड़ताल पर है। आपको बता दें कि प्रशासन का ध्यान इस ओर जो है आकर्षित नहीं हो पा रहा है कि अभी भी इनकी मांग पर प्रशासन सजग नहीं। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष गणेश प्रताप सिंह राठौर ने बताया कि सिविल न्यायालय की स्थापना से नगर परिषद में लगभग 82 गांव जुड़े हैं जिनकी आबादी लगभग 1 लाख से ज्यादा है। न्यायालय की स्थापना से इन सभी ग्रामीणों को सरल रूप से न्याय मिलेगा। नहीं, हमने कल कलेक्टर साहब से मिल करके ज्ञापन दिया है कि जो इनका मांग है हमारे अधिवक्ता संघ का, जयधारी मुख्यालय में जो सिविल न्यायालय सेंक्शन हुआ है उसको बिल्डिंग उसके लिए जल्द उपलब्ध कराया जाए ताकि वो सिविल न्यायालय चालू हो जाए। उन्होंने कहा है कि जो मांग चल रही है वो कहाँ तक जायज है? पूरी तरह जायज है, वो तो शासन का कॉन्सेप्ट है, शासन खुद इससे किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध पाए। गणेश सिंह राठौर, अध्यक्ष अधिवक्ता संघ जयतेहरी। सर, ये क्या मांग लेके आप यहाँ हड़ताल पे बैठे हुए हैं? हमारी मांग ये था कि विगत 2020 को माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा तहसील जयतेहरी मुख्यालय में सिविल कोर्ट की स्थापना किया जाना था और उन्होंने जिला प्रशासन से सुव्यवस्थित कोर्ट रूम की डिमांड किए थे, लेकिन इस 3 साल की लंबी अवधि में जिला प्रशासन द्वारा सुव्यवस्थित कोर्ट रूम उपलब्ध नहीं कराया जा सका। हम लोगों के द्वारा कई बार जिला प्रशासन से मिलकर निवेदन किया गया, पत्राचार किया गया।